अच्छी सर्विस मिली हम लोग को, और इंशाल्लाह इसके आगे भी आते जाएंगे अगर और गाड़ी देखते जाएंगे, कस्टमर आते जाएंगे इसके लिए। गाड़ी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी गाड़ी बनी है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी आपने हमारा इनोवा का जो वीडियो देखा, जो हमारे पास खेड़ महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर से हमारे पास वाशी नवी मुंबई में आई है। कस्टमर हमारे यूट्यूब में हमें फॉलो भी किए, और खेड़ जो कि पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से हमारे पास 10 से 15 इनोवा हमने बनाई है, उन्होंने वहाँ पर जाकर इनोवा देखी और हमारे पास गाड़ी लेकर आए। जब हमने गाड़ी ओपन किया तब पता चला कि क्रॉस मेंबर काफ़ी रस्टिंग हो चुके हैं, हमें वो चेंज करना होगा। इनोवा की वाइपर जाली जो रेगुलर प्रॉब्लम आती है हर इनोवा में, 3-4 इनोवा में एक इनोवा में वाइपर जाली की प्रॉब्लम भी आती है। उसके अलावा जो फ्रंट टाइम मेंबर है, एप्रॉन है, काफ़ी रस्टिंग था, वो प्रॉपर हमें रेस्टिंग करके अलाइन करके पूरा डेंटिंग वर्क करके करना होगा। चलिए, जो काम चालू है खेड़ का, आगे के वीडियो में बने रहिए और आगे का वीडियो। एप्रॉन पतरा है, पर ये देखो ये सब पूरा सड़ गया है। देखो ये किस तरीके से पतरा खुल गया है, ये पूरा एक जगह हिला तो सब जगह हिल रहा है, पूरा सड़ गया है। ये देखो ये चैसी पतरा, बॉक्स का बीच का पतरा, ये देखो पूरा डैमेज है। इधर से देखो टूट गया है, ये इधर पूरा सड़ा है, लॉक पैनल की जगह पे पूरा सड़ गया है। इस जगह पे देखो इधर सड़ा हुआ है, ये पूरा इसको लैट पीस बोलते हैं, ये लैट पीस पूरा सड़ गया है। इंजिस का जिस जगह पे लगता है वो इंजिस का पूरा पतरा पूरा इधर सड़ गया है, दिखा रहे हैं पूरा ये सड़ गया है। हापरन का पतरा बोलते हैं इसको, ये पूरा सड़ गया है। तो इस तरीके पे से नहीं फिट होगा ना, ये लाइन से पूरा सड़ गया हुआ है। जो बम्फर लगता है वो लाइट पैनल देखिए किस तरीके से पूरा इधर पूरा रस लगा, पूरा सड़ गया है। अभी इसको पूरा पेचिंग करना पड़ेगा, ये पूरा रस लगा हुआ है। रस्टिंग और डेंटिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद जो इनोवा हमारे पास खेड़ महाराष्ट्र से आई थी, अब पेंटिंग वर्क के लिए काम चालू होगा, जिसमें हम पुट्टी वर्क करके, अस्तर करके, फिर ओवरकोट करके पेंटिंग बूथ में पेंट करेंगे। खेड़ महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से जो हमारे पास इनोवा आई थी, जो फुल एक्सटीरियर वर्क था, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं कहना चाहूँगा एक पर्टिकुलर खेड़ है जहाँ पर से हमारे पास 12 से 15 गाड़ी वही जगह की हमने बनाई है, जो कस्टमर ने यूट्यूब पर देखकर, कस्टमर की गाड़ी देखकर हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। बिफोर का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा किस कंडीशन में हमारे पास गाड़ी आई थी और किस तरह से रेडी होकर ये जा रही है। और इनोवा जो कि कस्टमर हर अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे ये कस्टमर ने एक्सटीरियर पे ज़्यादा ध्यान दिया, एक्सटीरियर इन्होंने कंप्लीट किया हमारे पास से, जिसके लिए हमने टाइप 4 कन्वर्सेशन के लिए बोनेट, बोथ फेंडर, बोथ हेडलाइट, बम्पर, फॉग लाइट विथ फॉग लाइट ग्रिल, बोनेट क्रोम, बोनेट के अंदर का इंसुलेटर, अल्फाट ग्रिल, जो कि हर गाड़ी में एक बेहतरीन, हमने फ्रंट साइड से कंप्लीट किया है। और कस्टमर की जो पहले का मटेरियल था वो भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है, जैसे उनके एलईडी लाइट और प्लस उनका ये जो स्टैंड था वो भी हमने इंस्टॉल, फ्रंट विंडस्क्रीन ग्लास भी हमने असाई का इंस्टॉल किया है। साइड व्यूज में हमने मैकविल को गन मेटल में पेंट किया, जो कि बेहतरीन लुक देता है। उसके अलावा कैलिपर को हमने रेड में किया गया, फेंडर लाइनिंग की भी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, ऑल मोनोग्राम इंस्टॉल किया है। वही मिरर पर हमने मिरर क्रोम इंस्टॉल किया है, डोर पट्टा हमने फुल क्रोम में इंस्टॉल किया है, स्कर्टिंग राइट लेफ्ट बोथ इंस्टॉल, हैंडल हमने कम्प्लीटली चेंज किया, ना कि क्रोम इंस्टॉल किया गया। उसके अलावा पेंट की फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हमने शैम्पियन गोल्ड का पेंटिंग बूथ में किया गया है। ऑल 4 गार्निश पट्टी हमने इसमें इंस्टॉल की गई है, डोर वाइजर विद क्रोम लाइन इंस्टॉल किया गया, डोर गार्ड इंस्टॉल किया गया। अभी हम गाड़ी के रेयर साइड में आते हैं, हमने स्पॉइलर इंस्टॉल किया है, बोथ राइट लेफ्ट टेल लाइट इंस्टॉल किया है, टाइप 4 की क्रोम पट्टी हमने इसमें इंस्टॉल किया गया विद रिफ्लेक्टर, रियर बम्पर विद मैट्रिक्स लाइट और सेंचुरी का ABS गार्ड हमने। फ्रेंड्स, अभी आपने हमारा इस इनोवा का रिस्टोरेशन का वीडियो देखा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है जिसे आप रिस्टोरेशन करना चाहते हैं, वो भी अपने मनपसंद के हिसाब से,
पेंटिंग वर्क इंटीरियर तो हमें जरूर याद कीजिए। हम वाशी नवी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर है 8080244774। वीडियो एंड करने से पहले हम शॉप पर जाके कस्टमर को डिलीवर करते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं। अकीब जी ओनर ऑफ द कार जी आए हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मौका देने के लिए। किस तरह से आपको हमारा काम लगा? बहुत अच्छा काम है। क्या सोच के आए थे और किस तरह से? जो हम सोच के आए वैसा हमको काम मिला है। ओके आप सर बहुत अच्छा काम है, जिसकी हम अपेक्षा करते थे उससे बेहतर काम हो चुका है। जो भी आपको चाहिए था छोटा मोटा, स्टेयरिंग व्हील भी हमने चेंज किया, आपको अपग्रेड कराना था जी, बेहतरीन अच्छी सर्विस मिली हम लोग को। और इंशाल्लाह इसके आगे भी आते जाएंगे, अगर और गाड़ियां देखते जाएंगे कस्टमर आते जाएंगे इसके लिए। गाड़ी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी गाड़ी बनी। थैंक यू सर।